हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाग लवर देव जी। तो आज जो बड़ा कॉलोनी है वहाँ पर चिक्स आहिस्ता आहिस्ता मटकी से बाहर आ चुका है और आपके साथ शेयर करेंगे। और इस टाइम पर मैं अपने जावा स्पैरो को और जो जावा स्पैरो का चिक्स है उसको मैं कैसे देखभाल कर रहा हूँ वही मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और पसंद आए तो एक लाइक कर देना। जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो बहुत ही ज़्यादा कुछ देर के बाद ही वीडियो आ रहा है, इसलिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि बहुत ही मैं अन्य काम में बिजी था। तो चलिए चलते और कॉलोनी के अंदर जाते हैं और कॉलोनी के पास जाते हैं और आपके साथ शेयर करते। और यहाँ पर देख सकते मेरे पास जो जावा स्पैरो है वो सभी बिल्डिंग मूव पे है। तो यहाँ पर देख लीजिए और सभी मटकी के अंदर लगभग चिक्स या जो अंडा बच्चा जरूर से जरूर होगा। और जो चिक्स है वो नीचे आहिस्ता आहिस्ता आना स्टार्ट हो चुका है, वो यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो चिक्स है वो आहिस्ता आहिस्ता आना स्टार्ट हो चुका है। और मैंने आज जो यहाँ पर जो सॉफ्ट फूड भी प्रोवाइड किया है, सॉफ्ट फूड में मैंने क्या दिया है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जो सॉफ्ट फूड में मैंने जावा स्पैरो को जो मटर, काले चने, जो मसूर का दाल, मूंग का दाल, हरे मूंग का दाल और जो चना का दाल है वो दिया है। और थोड़ा सा मैंने जो मेडिसिन भी ऐड कर दिया है, ठीक है ना। और इस टाइम पर आप देख सकते हैं जो बाहर है वो बारिश हो रहा है और थोड़ा थोड़ा धूप भी है। तो इसीलिए मैंने जो सभी दरवाज़ा मैंने जो बंद करके रखा है थोड़ा सा, और थोड़ा सा भी खोला हुआ है ताकि जो वेंटिलेशन बहुत ही अच्छी तरीके से हो। और यहाँ पर भी मैंने बजिस बर्फ को आपको दिखाया हुआ था, तो यहाँ पर भी चिक्स है वो शायद बड़ा हो चुका होगा। और यहाँ पर जो कोनोर है, कोनोर आप देख सकते हैं योलो साइड कोनोर, तो अभी ये बिल्डिंग पर नहीं आया है, कुछ दिन के बाद ही जो ये भी बिल्डिंग पर आ जाएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इसका बॉक्स या क्या चीज़ मैं यूज़ करूँगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो देख सकते हैं मेरा जो कोनोर है वो भी बड़ा हो चुका है। तो चलिए एक चिक्स जो बहुत ही खूबसूरत चिक्स मैंने देखा है मेरे कॉलोनी पे आया है और वो नीचे भी बैठा है, तो उसको मैं पकड़ के एक बार दिखा देता हूँ। और हाँ, एक बातों का मेडिसिन के बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जब चिक्स का जो एज है वो 10 दिन हो जाए तो आप जो है मल्टीविटामिन और कैल्शियम यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीविटामिन में आप भाई मिनरल यूज़ करना और कैल्शियम में मैं यूज़ करता हूँ कैटिसोल कीजी, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, जब जावा स्पैरो का जब चिक्स आए तो चिक्स का जो एज है वो 10 दिन हो जाने के बाद आप ये सब मेडिसिन यूज़ करना। और उसके पहले आपको क्या यूज़ करना है, बी कॉम्प्लेक्स अपने जावा स्पैरो को प्रोवाइड करेंगे तो बाट का जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, ठीक है ना। और एक बात, जो नेचुरल सोर्स में यूज़ करता हूँ वो जो चीटिया का जो अंडा है वो मैं अपने जावा स्पैरो को कुछ 2 या 3 दिन बाद ही मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरा जो बाट है उसका ग्रोथ और हेल्थ भी बहुत ही अच्छा हो और उसका ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा हो। यहाँ पर भी मैंने सिल्वर जावा स्पैरो का जो प्यार है यहाँ पर रखा हुआ है और उसने भी अंडा बच्चा शायद करा होगा, नेस्टिंग तो मैंने देखता हूँ जो कम्प्लीट है। और चलिए जो केज के अंदर जो क्यूब सा एक चिक्स मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, आपको भी शायद आएगा, तो वो चिक्स कहाँ गया, तो चलिए अंदर ही जाना पड़ेगा क्योंकि चिक्स तो अंदर है। तो चलिए एक बार जो अंदर जाके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता से मैंने अंदर आ चुका हूँ और वो जो चिक्स का मैं बात कर रहा था वो यहाँ पर, ठीक है। ये देखो ये चिक्स बहुत ही क्यूट है, ये चिक्स आया है। और वहाँ पर एक यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी जावा स्पैरो का चिक्स आया है और उसका जो फीडिंग है बहुत ही अच्छी तरीके से उसका पेरेंट्स है वो कराया हुआ है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक रेड आई आया है और वाइट है और दो ब्लैक है।
और कुछ कुछ मट्टी अभी खाली है, तो अभी मट्टी में अभी चिक्स नहीं आया है। और हाँ, यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक वाइट जो यहाँ पर बैठा हुआ है। और जल्दी से बाहर चले जाएंगे क्योंकि ब्रीडिंग सीजन है और मेरा जो बाट है बहुत ही ज़्यादा डर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते कितना सारा जावा स्पैरो का चिक्स, जावा स्पैरो है, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रीडिंग भी कर रहा है। और मुझे क्या करना पड़ेगा, और थोड़ा सा नेस्टिंग मैंने प्रोवाइड करना है क्योंकि देख सकते कुछ कुछ मट्टी में नेस्टिंग थोड़ा सा कम है, तो मुझे नेस्टिंग भी थोड़ा सा ज़्यादा करके अभी थोड़ा सा प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि मेरे जो भी बाट अभी ब्रीडिंग पर नहीं आया है वो भी ब्रीडिंग पर आ जाए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर से कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।